अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ से मैं हूँ ज़ैनब। जो तो ये हेडलाइंस आप जान चुके। मॉल रोड पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब की इमारत में आतिश सद की। आग इमारत की छठी मंजिल में लगी। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसाम अजमल से। जी हसाम, बताइएगा किस तरह से ये वाकया पेश आया। जी जैनब, सुबह 6:15 बजे के करीब यह आग जो है वो भड़की है इस बिल्डिंग में, रजिस्ट्रार पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑफिस में। और ये 6 मंजिला बिल्डिंग है जिसके 6ठे फ्लोर पे जो है वो आग ने पूरी बिल्डिंग को के 6ठे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। और जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उस पर प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, और इसके साथ जो बिल्डिंग्स हैं वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, पंजाब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड और हबीब मेट्रो बैंक लिमिटेड की हैं। और इसके साथ 6ठा फ्लोर कम्प्लीटली आप जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पर आग ने अपने काबू में ले लिया, जिसको रेस्क्यू की टीमें जो है वो रेस्क्यू करने पहुंची। और उन्होंने अपनी तमाम तर महारत और मेहनत के साथ इसको तकरीबन 2 घंटे की अंतक मेहनत के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया, और जिसमें रेस्क्यू की 13 से ज़ायद जो है वो गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उन्होंने भी हिस्सा लिया। और जो स्नार्कल व्हीकल है रेस्क्यू 1122 के पास, अगर कैमरामैन दिखाएँ तो उस रेस्क्यू 1122 की स्नार्कल व्हीकल ने बहुत अहम किरदार अदा किया आज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। उसकी जो पिच थी पानी के फेंकने की और सारा उसका जो प्रेशर था उसने काफ़ी हद तक आग को काबू पाने में मदद की। जी, आग पर काबू पा लिया गया है। शुक्रिया लाहौर न्यूज़ हसाम अजमल आपका।